हजरत शाह हाशिम पीर दस्तगीर हुसैनी अलवी कदा सलाह सिरहुल अजीज। आप शहर बीजापुर के बरगजीदा औलिया अल्लाह में से हैं। हजरत शाह वजीउद्दीन अलवी गुजराती कदा सलाह सिरहुल अजीज के भतीजे हैं। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह जगत गुरु के जमाने में सरजमीन बीजापुर में आपकी तशरीफ आवरी हुई। कुछ अरसा जहरापुर में मुकीम थे, बाद अजां शहर के अंदर कदम रंजा फरमाए। आपके इरशाद व तलकीन के तुफैल हजारहा बंदगाने खुदा बातिनी फैज पाकर खुदा रसीदा बन गए। शाह वजीउद्दीन की रहलत के वक्त आपकी उम्र शरीफ 14 साल की थी। आपके वालिद माजिद हजरत शाह बुरहानुद्दीन हुसैनी अलवी से आपको बैयत व इरादत हासिल हुई, जिनकी सोहबत में आप सख्त रियाजतें और मुजाहिदे करते हुए राह सुलूक में कामिल व अकमल बन गए। वालिद बुजुर्गवार की रहलत के बाद आपकी वसीयत के मुताबिक शाह वजीउद्दीन अलवी कदसल्लाह सिरहुल अजीज की वफात के बाद आपके फर्जंद हजरत शाह अब्दुल्ला कदसल्लाह सिरहुल अजीज की खिदमत अकदस में एक मुद्दत दराज तक आपकी हुजूरी और सोहबत में रहकर खिलाफत और अजकार व अशफाल की इजाजत और नियामत जाहिरी व बातिनी हासिल करके सुलूक के तमाम मराहिल व मरातिब तय करके तमाम दारुल वरा के कशफ में जो राज व नियाजात थे उनसे वाकिफियत कामिल हासिल कर लिए। इब्राहिम आदिल शाह और उनका फर्जन मोहम्मद आदिल शाह हजरत की जनाबत में निहायत एतकाद रखते थे और आपकी खिदमत गुजारी और पासदारी करते और अपने मुश्किल और आफात के जमाने में आपसे रुजू होकर अपने मुश्किल दूर कर लेते थे और आपकी तवज्जो से अपने हाजात बरलाते थे। आपके हुजूर में शाह व गदा एक सा नजर आते हैं। जो कुछ नजर व नियाज आते फकीरों में तकसीम हो जाती। ये जो दोस्ती का सिलसिला आपकी उम्र की 16 साल से ही शुरू था। आप अक्सर फरमाया करते कि फकीर के हाँ रात तक एक भी दरहम बाकी रह जाए तो उसे गर्म करके फकीर के बदन पर दाग दें। इस बात जैसा हजरत का फरमान है कि हाशिम जी सूनी बात जिन रखे बासी बात उसका जावे हाथे हाथ। नकल है कि एक वक्त फरामोशी से एक दीनार हसीर के नीचे रह गई थी, दूसरे रोज नजर आई तो आपने अपने अहद व कौल के मुताबिक उसको गर्म करके अपने बदन शरीफ पर दाग दिया। हजरत फरमाते हैं कि मैंने सुलूक का तरीका 16 साल की उम्र में इख्तियार किया। नफ्स की हमेशा मुखालिफत करता रहा, रू बरू जो भी आ जाता खा लेता, कभी ना कहा कि कच्चा है या पक्का है, फीका है या थीका है। हजरत ने दो मरतबा हरमायन शरीफाइन की जियारत की। इसमें एक मरतबा अपने जद अमजद जनाब हजरत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर हाजिर खिदमत होकर जाहिरी और बातिनी नियामतों और फैजों से सरफराज हो गए। रसूल करीम हमेशा बशारतें और इनायतें फरमाया करते थे। आपके मलफूजात मज़कूरा है कि हजरत शाह हाशिम कदसरू फरमाते थे कि एक मामला यूं हुआ कि मैं होशियार हूं कि अपने घर से जहरापुर की मस्जिद के सहन में आया, देखा तो मेंबर के पास मेहराब के रूबरू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रजी अल्लाह के साथ खड़े किबला रुख होकर कुछ मसाइल बयान फरमा रहे हैं। इसी असना में ये फकीर जल्दी जल्दी मस्जिद के अंदर आया। एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह हाशिम आए हैं। आपने अपना चेहरा मनवार फकीर की जानिब किया। फकीर कलमे की उंगली जमीन पर रख तस्लिमात बजा लाते हुए दोनों दस्त मुबारक जानों पर रख कर बाअदब बैठ गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकीर को खिताबात और दुआओं से नवाजा। हजरत हाशिम पीर दस्तगीर कदसल्लाह सिरहु की ये आदत थी कि वो कभी मस्त हाथी के रूबरू से नहीं हटते थे और इस हैवान मुहीब से आपको बारहा मुकाबले का इत्तेफाक होता रहा है और मस्त हाथी सरंगों होकर रास्ते से चला जाता था। एक रोज हजरत से एक मुरीद ने अर्ज किया, हुजूर आप हाथी शेर और जहरीले सांपों के रूबरू से मुंह नहीं मोड़ते, ये शुजात है या अस्माए इलाही की बरकत है? आपने फरमाया, ये शुजात है न अस्माए इलाही की बरकत। मेरे वालिद बुजुर्गवार फरमाते हैं कि आए फरजंद अगर हुजूरी ये हक हासिल है तो वहशी जानवरों से दिल में किसी तरह की वहशत और फिक्र न होना चाहिए। अगर कुछ वहशत का एहसास भी होता तो समझ ले कि तू अपने मर्तबे से नीचे गिर गया है, उसका इलाज करना है ताकि फिर से उस मर्तबे को पहुंचे।
नकल है कि सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह जगत गुरु के जमाने में कहत साली हुई। लोग परेशान हाल भूखे प्यासे आपके हुजूर आकर दुआ की दरख्वास्त की। आपने तवज्जो फरमाई और दुआ की कि आए अल्लाह बहुरमत जद अमजद ऐसी बारिश बरसा के हर चीज जिंदा सर सब्ज व शादाब हो जाए। हजरत की जुबान मुबारक से इन कलमात का निकलना ही था कि आसमान पर चारों तरफ बर्फ छा गया और ऐसा बरसा कि हर तरफ नदियां नाले बहने लगी और खेतियां दरख्त सरसब्ज हो गए। नकल है कि एक रोज हजरत हाशिम पीर दस्तगीर कद्दसलाह सिरुल अजीज तालिबों की महफिल में सरगर्म दर्स व तदरीस व इरशादात में मसरूफ थे। असर का वक्त निकला जा रहा था। हाजरीन के दिल में ख्याल आने लगा कि हजरत क्यों कर इस तरफ ख्याल नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी में पूछने की हिम्मत न हुई। आखिरकार सूरज गुरुब होने के आखिरी वक्त हजरत मजलिस से उठे, ताज़ा वजू किया और सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे कि आफताब फिर निकल आया। आपने अपने मुरीदों और अहले मजलिस के साथ नमाज असर अदा की। गर्ज एक घड़ी तक आफताब बुलंद रहा। नकल है कि एक शख्स हाजी जाकिर नामी बुजुर्गों की खिदमत और उर्सों वगैरह में नात व दीगर मनकबत वगैरह पढ़ता था। उसकी आवाज में कुछ खराश थी, लोग उसको सुनकर उसका मजाक उड़ाते थे। गुलोकार हजरत के करामात सुनकर आपकी खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश की कि उसकी आवाज में मीठास पैदा हो। हाशिम पीर दस्तगीर कद्दसलाह सिरुल अजीज ने उसे अपना दस्तार खास और दो बूटी की चादर अता की और फरमाया कि जा अब तुझे लहने और दाऊदी अता हो गई है। इसके बाद जब भी ये गवैया गाने लगता तो उसकी खुश अलहानी से लोग अपना दिल हार बैठते और जंगली चरिंदों परिंदों को भी अपने हुस्न आवाज के दाम में फंसाता था। एक खादिम अपने तादम हयात इसी तरह लहने दाऊदी से गाता रहा। नकल है कि हजरत जिस वक्त बीजापुर आ रहे थे रास्ते में एक ईसाई बूढ़ा मिला और हजरत से कहने लगा कि मैं बड़ा कीमियागर हूँ, आपको इस इल्म से नवाजना चाहता हूँ, यही आपकी खिदमत में मेरा हदिया समझिए। हजरत हाशिम पीर दस्तगीर ने उससे कहा कि मैं फकीर आदमी हूँ, मुझे सोने से क्या मतलब, अगर तुझे सोना चाहिए तो पत्थरों का ढेर जमा कर। हस्ब इरशाद इस बूढ़े ने एक बड़ा पत्थरों का ढेर जमा किया। आपने इस ढेर पर अपनी नजर कीमियाई डाली तो ढेर सोने का बन गया और उस बूढ़े से कहा कि तुझे जिस कदर चाहिए ले जा। हजरत की इस करामत से वो बहुत मुतासिर हुआ, कदमबोस होकर अर्ज करने लगा कि आपका खादिम और मुरीद बना लें। आपने उसे अपने जुमरे मुरीदैन में शामिल करके हिदायत जिक्र व अज़कार से नवाजा। नकल है कि एक रोज आपका एक मुरीद खास आपके हुजूर हाजिर होकर अर्ज किया कि खादिम हज बैतुल्लाह का अज़्म किया है, हुजूर वाला की इजाजत चाहता हूँ। हाशिम पीर दस्तगीर ने अपना हाथ लंबा किया और मुरीद से फरमाया कि इधर नजर कर। मुरीद ये देखकर हैरान रह गया कि उसके सामने काबा है। आपने फरमाया कि तवाफ कर लो। हस्ब इरशाद तवाफ काबा से मुशरफ हुआ। फिर थोड़े वक्त के बाद मुरीद से फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला ने तुमको यहीं तवाफ से सरफराज किया है। खादिम ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ फजल इलाही और आपका सदका है। नकल है कि सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को हॉल की शिकायत थी, वो भी इस दर्जा कि जब अबर आता बिजली चमकती और बादल गरजता तो बादशाह को धत दर्जा बेकरारी और बेचैनी पैदा होती। तमाम हकीम और दरबारी तबीबों से इलाज न हो सका, बादशाह हर वक्त हॉल से बेकरार रहता था। आखिरकार शाह हाशिम पीर दस्तगीर कद्दसलाह सिरुल अजीज की खिदमत में अर्ज करवाया कि इस बला से निजात हो। हजरत ने तवज्जो फरमाई और उसी दिन से बादशाह का हॉल जाता रहा। बादशाह की बेदारी के वक्त अबर बादल बिजली खामोश रहते और जब बादशाह गहरी नींद में सोया होता तो ये सब अपना अपना काम कर लेते। गर्ज बादशाह की आखिरी सांस तक यही मामला चलता रहा। नकल है कि उस जमाने में दो मशहूर और मारूफ चोर थे, वो कभी फौज और दरबारी अहलकारों के हाथ न मिलते और दिन इत्तेफाकन कोतवाल ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें सजा देना चाहा तो उन्होंने कोतवाल से कहा कि ये हमारी खता नहीं थी, हजरत हाशिम पीर ने हमें इस काम के लिए भेजा है। कोतवाल हजरत का नाम सुनकर हैरान रह गया और उन्हें बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह के पूछने पर भी दोनों चोर हजरत का नाम पेश करने लगे।
बादशाह और तमाम दरबारियों ने समझा कि हाशम पीर दस्तगीर के तुफैल में ये लोग झूठ बोलकर बचना चाहते हैं। कई मर्तबा पूछने पर भी वो हुजूर के नाम को अपनी निजात और मुखलिसी का वसीला बनाकर वही बात दोहराते रहे। आखिरकार बादशाह ने एक मुलाजिम को दरियाफत हाल जानने हजरत के पास रवाना किया। हजरत ने जब ये बात सुनी तो कहा कि हाँ, हाशिम ही ने उन्हें चोरी का हुक्म दिया था। मुलाजिम बादशाह से आकर कैफियत बयान किया। बादशाह को मालूम था कि आप क्या हैं, फिर भी दोबारा मुलाजिम को भेजकर दोनों चोरों का हुलिया, शक्ल व सूरत मालूम करना चाहा तो हजरत ने हूबहू बयान किया। अब बादशाह हजरत के फरमान पर उन्हें रिहा कर दिया। दोनों चोर फौरन हजरत की खिदमत अकदस में हाजिर होकर अपनी खताओं की माफी चाही और आपके मुरीदों के जुमरे में शामिल हो गए। हजरत ने उन्हें गुनाहों से दूर रहने की ताकीद की। एक चोर ने कहा कि शराब खोरी और जिनाकारी मुझसे छूटना नामुमकिन है, लिहाजा मुझे रोज कयामत आप बख्शिश की सिफारिश फरमाएं। आपने कहा ठीक है, अलबत्ता मेरी मौजूदगी में ये गुनाह मत करना। वो चोर बड़ा खुश हुआ और दूसरे दिन शराब पीने शराब खाने गया तो आप वहाँ मौजूद थे। वहाँ से निकलकर कुंजन के घर गया, वहाँ भी मुर्शिद की सूरत देखकर शर्मिंदा हुआ और इन गुनाहों से छुटकारा पाया। नकल है कि सुल्तान आदिल शाह सख्त बीमार हो गया, किसी तबीब और हकीम से इलाज न हो सका। आखिर हजरत से इल्तमास किया कि इस बीमारी से खुलासी पाए। हजरत ने तवज्जो की और कहा कि अब तेरी उम्र तबाई खत्म हो चुकी है, चूँकि तेरे वालिद इब्राहिम आदिल शाह ने फकीर पर बड़ा एहसान किया है, अब बदला चुकाना है, लिहाजा फकीर अपनी बकिया उम्र के 10 साल बख्श देता है। उसी दिन से बादशाह सेहतमंद होता गया और हुजूर बीमार होते गए। आखिरकार 3 दिन के बाद जुमा के दिन रमजानुल मुबारक में सन 1056 हिजरी में वासिले हक हुए। आपके जनाजे में उजरा, उमरा, फुकरा व सादात, मशायखीन व फुजला, गर्ज बीजापुर के कुल खास व आम शरीके जनाजा थे। चाहते थे कि जनाजे को हाथ लगाएं, लेकिन जनाजा मुअल्लक था। आपके मुकद्दे मुनव्वर पर एक खुश नुमा गुम्मद है। हर साल उर्स मुबारक के मौके पर अतराफ व अकनाफ से मुरीदैन व मौतिकदैन का हुजूम जमा रहता है। आज भी हजरत की दरगाह से कई लोग अपनी मुरादें पूरी कर लेते हैं और आपका फैज़ व करम हर कस व नाकस के लिए जारी व सारी है। आप जैसे बुजुर्गों पर खाक बीजापुर को नाज है।